हेलो सलाम नमस्ते यू गाइस। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेस्टिव कलेक्शन का हॉल। मैंने इस बार अमेजोन से फेस्टिव कलेक्शन की शॉपिंग की है, बट इस बार मैंने कुर्ती सेट नहीं ऑर्डर किया है, उसके बजाय मैंने इस बार ऑर्डर किया है धोती पैंट सेट। मैंने 5 सेट ऑर्डर किए इस बार, तो कुर्ती सेट्स काफी दिखाए हैं आप लोगों को और काफी सारे लोगों को मेरे नो चॉइसेस पसंद भी आते हैं। इस बार मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप धोती पैंट्स का सेट ट्राई कीजिए। सो चलिए आज की वीडियो यही शुरू करते हैं विदाउट फर्दर wasting any time, let's get started. अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है, तो इसमें काफी अच्छे डिस्काउंट मिलने वाले हैं आपको। सो इनमें से अगर कोई भी आपको सेट अच्छा लगता है, देन डेफिनेटली लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बार में, वहां से आप प्रोडक्ट्स जाकर परचेज कर सकते हैं। सेट्स ऑर्डर किए, ये काफी अफोर्डेबल है और देखने में भी काफी सुंदर लगते हैं, एकदम फेस्टिव अप्रोप्रिएट, नवरात्रि अप्रोप्रिएट, और इवन आप दिवाली पे भी इसे पहन सकते हो। सो द फर्स्ट धोती पैंट सेट इज दिस मरून एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द टॉप पार्ट, यू गाइस लुक एट द कलर, रियली प्रिटी मरून कलर, और इसमें गोल्ड से यू नो प्रिंट्स बने हुए हैं, फ्लोरल प्रिंट्स, काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाती है, देख सकते हो, और यहाँ पे आपको साइड में लटकन भी मिल जाता है। इसे आप बांध सकते हो या फिर नहीं भी बांध सकते हो, बट ट्राई ऑन में देखना ये कितना प्यारा लगता है। सो यहाँ पे आपको वी नेक का मिल जाता है, मैंडरिन कॉलर है इसका, और यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं। ये बटन्स ओपन नहीं होते, दीज आर फेक बटन्स, बट देखने में काफी प्यारा लगता है, शर्ट स्टाइल लगता है। वेस्ट से यहाँ पे आपको पेपलम वाला स्टाइल मिल जाता है, और नीचे में यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे पॉम पॉम्स लगे हुए हैं येलो कलर के, तो यू नो नवरात्रि अप्रोप्रिएट है। इसे पहनकर आप गरबा वगैरह भी कर सकते हो, इसके साथ आप चुन्नी एडअप कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। सो या दिस इज द बैक पार्ट, काफी प्यारा टॉप है ये, कलर इसका मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगा, ये पेपलम स्टाइल धोती पैंट के साथ काफी प्यारा लगता है। सो या दिस इज द टॉप पार्ट, और इसका आप देखोगे तो ये मटेरियल थिक है, ट्रांसपेरेंट ज्यादा नहीं है, और मैंने जो साइज ऑर्डर किया दिस इज साइज एल। दिस धोती पैंट का सेट इज फ्रॉम फैब रसिया। सो या दिस इज द बॉटम पार्ट, बहुत ही प्यारा यू नो गोल्डन एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, और नीचे आप देख सकते हो इस टाइप से कट आता है, धोती पैंट आप लोगे तो इस टाइप से ही कट मिलेगा आपको, और यहाँ से ये ओपन रहता है, एंड देन यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाती है, सो साइज का भी इशू नहीं होगा। दिस इज परफेक्ट ट्रू टू साइज, इस ट्राई ऑन में तो आपको दिखेगा इसका घेरा काफी अच्छा है। व्हाइट एंड मरून, व्हाइट रेड, ये सब मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन में आते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कुर्ती सेट्स भी है जो की व्हाइट रेड मरून एटसेट्रा है। सो या दिस इज द फर्स्ट आइटम दैट आई गॉट। मैंने ऑर्डर किया है धोती पैंट का सेट, ये 3 पीस का सेट है, मतलब इसमें आपको टॉप मिल जाता है, एंड देन नीचे आपको धोती पैंट एंड ऊपर में एक जैकेट भी है इसके साथ, विच इज रियली कूल। सो या दिस इज द टॉप पार्ट, बहुत ही प्यारा सा ग्रीन, मेहंदी ग्रीन कह सकते हो उसे, या ऑलिव ग्रीन, डार्क ऑलिव ग्रीन में है ये। सो दिस इज ये जो है यहाँ पे स्लीवलेस है, यहाँ पे आपको गोल गला मिल जाता है, एल साइज मैंने ऑर्डर किया है। गोल्डन से आप देखोगे तो छोटे छोटे प्रिंट्स हैं, साइड में यहाँ पे कट मिल जाएगा आपको, बहुत ही प्यारा कलर है, और ये सारे कलर जनरली फेस्टिव वेयर पे काफी अच्छे लगते हैं। सेम इसी डिजाइन का आपको बॉटम भी मिल जाएगा। सो दिस इज द बॉटम, बहुत ही घेरे वाला धोती पैंट है, देख सकते हो आप। वेस्ट में आपको इलास्टिक मिल जाएगा पीछे के साइड में, सिंपल जो पजामा वाला कट होता है ये वैसा ही है, बट घेरा काफी अच्छा है इसका, मतलब एकदम प्यारा सा धोती पैंट वाला लुक देता है। लेयर्स बैठाए, यहाँ पे प्लेट्स बैठाए हुए हैं, तो प्लेट्स की वजह से घेरा काफी अच्छा आता है। दिस इज द जैकेट दैट यू गेट इन दिस सेट, बहुत ही प्यारा सा यू नो देखोगे तो कलर इसमें ये पर्पल कलर एंड देन गोल्ड एंड ऑलिव का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाते हैं, चाहे तो आप इसे बंद करके भी पूरा पहन सकते हैं, या फिर मैंने जैसे वेयर किया है ओपन करके आप वैसे भी ये जैकेट पहन सकते हो। 999 रुपीज में आपको ये पूरा सेट मिल जा रहा है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए गाइस, इतने कम्फर्टेबल, मतलब हम तो यू नो जब फेस्टिवल का टाइम रहता है तो हम कितने बार बाहर घूमने निकलते हैं, तो ओब्वियसली हमें डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट चाहिए होती है। सो आप अफोर्डेबल भी ट्राई कर सकते हो, कितना अफोर्डेबल है ये, अराउंड अंडर 1000 रुपीज में आपको ये पूरा सेट मिल जा रहा है, तो आप एक दिन ये वाले ड्रेस पहन कर भी निकल सकते हो। ऑफकोर्स ऑर्डर करना चाहोगे तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बार में, आप पहन के निकलोगे ना डेफिनेटली यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट, और आपको पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से ऑर्डर किया है।
ऑफ दिस हॉल। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया है ये एक बहुत ही प्यारा सा कोरल पिंक, बहुत ही प्यारा सा कोरल पिंक एंड मरून का कॉम्बिनेशन है। सो या दिस इज द टॉप पार्ट, एकदम सिंपल सा, सोबर सा, बट देखने में बहुत ही क्लासी लगता है। इसे आप डिफरेंट टाइप के अगर एक्सेसरीज के साथ स्टाइल करोगे ना, बहुत ही सुंदर लगने वाला है गाइस। सो या दिस इज द सिंपल सा टॉप, ये वी नेक है, यहाँ पे आपको गोल्ड वाली लाइनिंग मिल जाती है। दिस इज 3/4 स्लीव्स, यहाँ पे भी गोल्ड की लाइनिंग मिल जाती है। और इसका जो लेंथ है टॉप का, आप देखोगे थोड़ा लंबा लेंथ है, मतलब कुर्ता वाला स्टाइल हो जाता है, आपको नी के ऊपर ही रहने वाला है, ट्राई ऑन में आपको पता चल जाएगा। मैं आप देखोगे तो गोल्ड फॉइल का पूरा प्रिंट बना हुआ है, काफी प्यारा है। घेरा भी इसका देखोगे तो काफी घेरा ज्यादा है गाइस, तो जब आप दांडिया वगैरह कर रहे हो तो जब आप राउंड लगाओगे तो फैलने वाला है, काफी सुंदर लगेगा। जो बेसिकली टाइप है ये आपको किनारे पे मिलेगा। सो वो जो अंगरखा वाला डिजाइन होता है ना, इसका डिजाइन बिल्कुल वैसा ही है, सिंपल है। बैक में मटेरियल आप देख सकते हो, सामने से मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द मटेरियल, हल्का सा ट्रांसपेरेंट लग सकता है आपको, बट नाइट में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आप ब्लैक कलर के इनर्स पहन सकते हो या फिर क्रीम कलर के इनर्स पहन सकते हो। ये जो मैंने ऑर्डर किया, दिस इज फ्रॉम ब्रांड जनासिया, दिस इज द ब्रांड, दिस इज ट्रू टू साइज, तो अपने साइज के अकॉर्डिंग मंगा लेना। इज द बॉटम दैट कम्स विद दिस, ये मरून नहीं है एक्चुअली, इसे आप डार्क ब्राउन कह सकते हो, चॉकलेट कलर कह सकते हो। सो यहाँ पे गोल्डन से लाइनिंग दी हुई है, यहाँ पे भी आपको प्लेट्स मिल जाएंगे जिससे घेरा अच्छा आने वाला है। और ये आप देख सकते हो एक का विड्थ कितना ज्यादा है, तो काफी चौड़ा है। और नीचे में इसमें आप देखोगे तो ये भी साइड स्लेट वाला डिजाइन है। साइड स्लेट वाले डिजाइन जो होते हैं ना, बेसिकली थोड़ा राजस्थानी वाले वाइब देते हैं। पेस्ट में इसमें भी इलास्टिक दिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा नाड़ा वगैरह अगर रहता है ना, तो उसे बांधने वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है। खुल गया अगर आप डांडिया वगैरह कर रहे हो, डांस वगैरह कर रहे हो और खुल गया, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सो अच्छा है, ये सारे में इलास्टिक दिए हुए हैं, कंफर्टेबली आप वेयर कर सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये जो आइटम है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है कंपेयर टू बाकी जो भी सारे मैंने सेट्स आपको दिखाए हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये बेसिकली आप कह सकते हो रेडी टू वेयर साड़ी वाला लुक देता है। इसे मैं समझा नहीं सकती, जब आप ट्राई ऑन देखोगे ना तो आपको खुद कुछ समझ में आ जाएगा, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले आपको मैं टॉप पार्ट दिखा देती हूँ। क्रॉप टॉप जैसा इसका डिजाइन है, बहुत ही प्यारा ऑलिव ग्रीन कलर है और इसमें गोल्डन से फॉयल प्रिंट दिया हुआ है। 3/4 स्लीव है इसका। सो आप अगर आप ये वाला सेट लेते हो ना, तो इसे आप एज ए ब्लाउज भी यूज कर सकते हो अपने साड़ीज वगैरह के साथ। पीछे प्लेन है पूरा। सो या ये जो है इसके साथ टॉप मिल जाता है, क्रॉप टॉप डिजाइन है इसका। दिस इज फ्रॉम ब्रांड जनासिया, ये एल साइज ही है, तो दिस इज ट्रू टू साइज। नाउ इट व्हेन इट कम्स टू बॉटम पार्ट, सो दिस इज द बॉटम, यहाँ पे आपको प्लेट्स मिल जाएगा, यहाँ पे पीछे इलास्टिक मिल जाएगी, फ्रंट में इलास्टिक नहीं है। एंड देन ये जो है पूरा आप देखोगे तो दिस इज नॉट धोती वाला पैंट वाला स्टाइल, दिस इज बेसिकली स्कर्ट स्टाइल। मैं जब पहन रही थी ना इसे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पैर निकालू कहाँ से, क्योंकि ये पूरा आप देखोगे ना तो ये पूरा सिला हुआ है, इसमें कहीं भी पैर निकालने की जगह नहीं है। मैंने सोचा कि कहीं मुझे डिफेक्टिव पीस तो नहीं मिल गया, बट देन आई नोटिस ये जो है साइड से यहाँ से आपको पैर निकालना है, लाइक जो भी धोती पैंट का स्टाइल था साइड वाला, सेम टू सेम इसमें भी बॉटम पार्ट एंड देन उसके साथ ही अटैच मिल जाता है आपको ये दुपट्टा काइंड ऑफ डिजाइन। सेम प्रिंट है जैसे टॉप में है, और ऐसे आप आराम से इसे हाथ चल की तरह ले सकते हो। ऐसे सेट्स मैंने जनरली ऑनलाइन नहीं देखे, रेडी टू वेयर साड़ी देखा है मैंने, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। आप दिवाली वगैरह पे भी इसे आराम से पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा है। घर पे आपको पहनना है तो ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, बहुत ही क्लासी और प्रिटी लगता है देखने में और अफोर्डेबल भी है। सो दिस इज अ रियली गुड पीस। जो मैंने ऑर्डर किया है, पहले तो ये जो टॉप है जो मैंने पहना हुआ है ऑलरेडी, इसके बॉटम में पेपलम वाला स्टाइल है, व्हाइट नीचे आपको ग्रे कलर से प्रिंट मिल जाता है, ट्राई ऑन में पता चल जाएगा। अभी मैंने पहना है तो आपको पता नहीं चलेगा। स्लीव जो है इसका 3/4 स्लीव है, यहाँ पे आपको लाइनिंग मिल जाती है, प्लेन है, एकदम पूरा सॉलिड है। ऑक्सीडाइज यहाँ पे आप नेकलेस वगैरह पहन सकते हो, या इस तरीके से जैसे मैंने पहना हुआ है लॉन्ग इयररिंग्स के साथ, हेवी इयररिंग के साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हो। इसके साथ मैंने बॉटम जो लिया है,
वो मैंने ये अलग अलग सेट है, ये पूरा एक साथ का सेट नहीं है। ये जो बॉटम इसके साथ मैंने लिया है, दिस इज मरून कलर का बॉटम। आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा काम किया हुआ है गाइस, और ये पूरा बॉटम तक जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम राजस्थानी वाली वाइब देता है। साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे मोती लगे हुए हैं बहुत ही प्यारे से। इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है गाइस, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मटेरियल है। तो बाकी वाले सेट्स वाले जो पैंट्स मैंने दिखाए हैं उससे थोड़ा सा गहरा कम है, बट फिर भी बहुत ही सुंदर लगता है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, मरून एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन है। ये प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बार में। सो पहले इस ड्रेस का ट्राई ऑन देख लीजिए, देन आई विल कम बैक। लेट मी नो कि आपको ये सारे सेट्स कैसे लगे, और इसमें से आपको सबसे प्यारा कौन सा लगा। मैं रील्स बहुत सारे बनाती हूँ, आउटफिट रील्स, इसलिए आपको चेक करना चाहिए, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बार में। सो ऑल्सो अभी काफी अच्छे, अभी अमेजोन में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है। जो भी आपको ऑर्डर करना है, बी इट फैशन, ब्यूटी, गैजेट्स, जो भी आपको चाहिए, होम डेकोर, हर तरीके के आइटम्स पे अभी सेल है, और काफी भारी सेल है। सो ऐसा सेल साल में एक ही बार आता है गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।